पुलिस विभाग में आपसी कलह इतनी बढ़ गई है कि अब बाहर आने लगी है। ऐसा ही मामला जो पिछले कई दिनों से चला आ रहा है उसमें एक नया मोड़ आया जब पुलिस की तरफ से आरोपी बनाए गए लोगों ने पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस के आला अधिकारी को शिकायत करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ज्योति टॉकीज के सामने चश्मे की दुकान चलाने वाले महेश सोनी को शाजापुर पुलिस लेकर गई थी। इसके साथ ही एक पारदी महिला को भी शाजापुर पुलिस लेकर गई थी। जब दोनों शाजापुर से वापस लौटे तभी से इन्होंने अपने साथ हुई यातना के बारे में बताना शुरू कर दिया। महेश सोनी और शालू पारदी दोनों ने यही कहा कि वहां पर पदस्थ पुलिसकर्मी हरीश राजपूत ने लोगों को केवल इसलिए मार पिटाई की ताकि वह गुना में पदस्थ नीरज जोशी का नाम ले सके। इसी के साथ महेश सोनी ने बताया कि उसे बिना किसी कारण पहले यहां से लेकर गए, उसके पास रखा पैसा भी पुलिसकर्मियों ने रख लिया। इसके बाद जब शाजापुर लेकर गए तो वहां तकरीबन 2 से 3 दिन इन लोगों की मार पिटाई की गई और केवल नीरज जोशी उर्फ टोनी नाम को लेने की बात भी कही गई। इसके साथ ही महेश और शालू का वीडियो बनाया गया जिसमें इनसे कबूल करवाया गया कि 1 किलो सोना उक्त पुलिसकर्मी को बेचा है। इसके साथ ही कोरे कागजों पर इनसे साइन भी करवा लिए गए। इन दोनों का आरोप कितने सही हैं और कितने गलत इसकी तफ्तीश पुलिस अपनी जांच में ही करेगी। वहीं पुलिस की इस बर्बरता के बाद प्राइवेट इस्तगासा लगाने की तैयारी की जा रही है एवं पुलिस के आला अधिकारियों तक शिकायत भी पहुँचाई जा चुकी है। इसमें आपने आगे क्या कदम उठाया? आप आगे मैंने उठाया ये कदम, मैंने मतलब सब जगह मैंने करा है, स्पीक कलेक्टिंग सब जगह मतलब वो करा है, तो मैं भोपाल से बोलना चाहूँगी आगे चल के हमारे भी कुछ करें। ज्योति टॉकीज गली में गड़ा कॉम्प्लेक्स में मेरी दुकान है चश्मे की, वहाँ पर आए और मेरे को उठाकर सिटी कोतवाली ले गए, मेरे दोनों मोबाइल छुड़ा लिए, 30,000 रुपये निकाल लिए। उसके बाद सिटी कोतवाली ले गए, सिटी कोतवाली में ले जाकर के अंदर एक कमरे में बिठा दिया, वहाँ से फिर शाजापुर ले गए। ये हरीश राजपूत था, उसके साथ में 4 सिपाही और थे। रास्ते में चारों को जानते हैं आप? हाँ, चारों को जानता हूँ मैं। नाम पता है? एक का नाम है गुर्जर है कोई, एक तिवारी है। हाँ, और आगे बताओ। और भाई फेस तो उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके बाद में जैसे जैसे शाजापुर ले जा लेके रात में इन्हें वहाँ पर रखा सिटी कोतवाली में रखने के बाद सुबह मेरे को वहाँ से साइबर कैफे ले गए। साइबर सेल पर ले जा कर के इन्हें तरह तरह की ये यात्राएं दी और कहा कि टोनी का नाम बताओ। टोनी को जानते हो कहीं? मैं जानता हूँ। तो ये कितना माल लिया है इससे कहीं तुमने? मैंने कोई माल नहीं लिया है, मेरा दोस्त जरूर है बचपन का। तो कहीं तुम्हें झूठा बताना हुआ? कहीं कहना हुआ कि टोनी ने माल तुम्हें दिया है और सालू टोनी को दे दिए गए। करीबन कितना माल बुलवा रहे थे आप? मेरे से कह रहे थे कि आप बोलो 250 ग्राम माल दिया है। गोल्ड 250 ग्राम सोना टोनी को दिया है, टोनी ने तुम्हें दिया है।
मैंने मना किया तो फिर इसके बाद में इन लोगों ने मेरे को धमकियाँ और मानसिक प्रताड़ना ऐसी दी कि मेरा आज भी दिमाग सही नहीं है। इसमें आगे आप क्या कदम उठा रहे हैं इस मामले में? इस मामले में मैं आईजी डीआईजी अभी एसपी साहब को लगाया है मैंने, इसके बाद मैं कोर्ट में प्राइवेट इस्तगाथा भी लगाऊंगा मैं कल या सोमवार को। उसके बाद मैं आईजी डीआईजी और भोपाल तक जाऊंगा मैं। अभी भी उनकी तरफ से कोई कॉल आते हैं क्या आपके पास? हाँ, दो बार कॉल आए थे, मेरे पास नंबर भी लिखे हुए हैं। हाँ, धमकी देते हैं वे कि दूसरे केस में फंसा देंगे। और मेरे साथ में इनने बसायापुर में 4 पूरे कागजों पर साइन करवाए थे और वीडियो भी बनाई है इन लोगों ने एक कमरे में।